कनेक्टेड मोशन के अंदर ऑब्वियसली नाम पता लग नाम से पता लग रहा है कि दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड है और कनेक्ट हो गए वो मोशन में है तो कनेक्टेड मोशन है। और कनेक्ट कैसे है, रस्सी से कनेक्ट कर दो या दो बक्से एक के बाद एक लगा दो, एक बक्से को धक्का मारो दूसरा अपने आप मूव करेगा, कनेक्टेड मोशन है। और रस्सी से खींच दो तो भी कनेक्टेड मोशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज एक एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, आप कॉपी में प्लीज नोट कर सकते हैं इसे, ये सब बनाना पड़ेगा आपको। दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं, ये प्लीज प्रैक्टिस करें इसकी, नहीं तो डायग्राम बनेंगे नहीं आपसे। दो ब्लॉक्स हैं और ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसमें मैंने फोर्स लगाई 100 न्यूटन, ये 2 kg है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तो मैंने फोर्स कितनी लगाई इसमें, 100 न्यूटन। मैं इसके अंदर फ्लोर नहीं बना रहा, पर ऑब्वियसली ये जमीन पे ही हो रहा है, जमीन पे चल रहे हैं, पर जमीन की मुझे जरूरत नहीं है, बस इमेजिन करो हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो आगे मूव करेंगे, जब मैंने 100 न्यूटन फोर्स नहीं लगाई थी, ये वेक्टर है, रस्सी नहीं है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये रस्सी नहीं है, खींच लिया इसे। तो जब मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, नहीं लगाई थी, तो रस्सी में बल थे, टाइट नहीं थी। जब खींचा तो क्या हुआ, ये 2 kg ने मूव करना शुरू किया और रस्सी बिल्कुल स्लैक थी, उसमें बल पड़े हुए थे, रस्सी ने भी चलना शुरू किया, चल रही है, झटका लगा, वो देखा ना झटका लगता है एकदम, फिर ये भी साथ मूव करना पड़ेगा, कनेक्टेड है ये, तभी तो उसका नाम क्या है, कनेक्टेड मोशन, तो साथ मूव करेगा। अब रस्सी क्या हो जाएगी, टाइट, बल पड़ी हुई रस्सी खींच सकती है किसी को, कभी भी नहीं। ऑब्वियसली एक रस्सी आप बांध लो, एक मैं बांध लेता हूँ, मैं भागता हूँ, अब जब तक वो रस्सी खींचनी, मतलब पहले तो बल पड़े हुए हैं, वो पहले टाइट पहले मूव करेगी, उसके बाद एकदम टाइट होगी, फिर आपको साथ चलना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। अब सोचो एक मैं हूँ और एक सपोज ये है, और मैं भाग रहा हूँ आगे की तरफ 100 न्यूटन, मैं तो जाने को तैयार हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, अब रस्सी के थ्रू इसको कह रहा तू भी चल, देखो ये इनर्शिया ऐसा कहता है मैं जाने को तैयार नहीं हूँ, क्यों भागेगा यार ये, इसको जबरदस्ती मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा देख ऐसा है, मैं तेरे पर फोर्स लगाऊंगा, तो कहेगा सर देखो ऐसा है, बाय रिएक्शन मैं भी आपके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा, फिर मत कहना, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक, 2 kg ने 5 kg को क्या बोला कि चल साथ चल, तो तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगा, तो उसने फोर्स क्या लगाई, टी, रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं, तो वेक्टर है टी, तो बदले में 5 kg ने 2 kg के ऊपर फोर्स लगाई टी, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ऐसा नहीं बनाना T1 T2, टी एंड टी, रिएक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या रहता है सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, बनाओ डायग्राम साथ साथ, टी एंड टी। जो टी की वैल्यू है ना वो 100 न्यूटन से कम है, एक बात को समझो, 100 से तो कम ही निकलेगी, रस्सी की फोर्स 120 कैसे, मतलब तुम लगाओ 100, रस्सी लगाए 120, ऐसे कैसे, कोई बैटरी थोड़ा लगी है या कोई फोर्स थोड़ा लगी है बीच में, तो आप टेंशन हमेशा इससे कम ही निकलेगी अप्लाइड फोर्स से। तो रूल नंबर 1, टेंशन एक फोर्स है, इसके यूनिट न्यूटन होंगे, टेंशन की जो फोर्स है वो रस्सी में इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो अगर 2 kg ने इसको यहां खींचा तो बदले में 5 kg ने इसको यहां खींचा, क्लियर है यहां तक। तो ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे भी सेम एक्सेलेरेशन ए, अब ये तो है नहीं कि ट्रेन है तो गाड़ी का इंजन मूव कर रहा है विद ए और आखिरी डिब्बा कह रहा है मैं तो मूव ही नहीं कर रहा जी, मूव करना पड़ेगा भाई, टाइट है सब कुछ, तो सारी की सारी ट्रेन मूव करेगी विद सेम एक्सेलेरेशन, क्लियर है यहां तक, एक्सेलेरेशन दोनों की सेम। तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टेंशन, क्वेश्चन आएगा ए निकालो एंड टी निकाल, ये क्वेश्चन आएगा, राइट, क्लियर है। तो रूल नंबर 1, इसके अंदर 2 kg के ब्लॉक का अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊं तो 2 kg के राइट की तरफ कितनी फोर्स है 100 न्यूटन और लेफ्ट की तरफ कितनी फोर्स है टी, 5 kg का डायग्राम अगर अलग से बनाऊं तो 5 kg के राइट की फोर्स क्या है टी और लेफ्ट की फोर्स ही नहीं है, तो ये आगे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए और ये आगे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ,
कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो मैंने क्या किया, सारी फोर्सेस एक में पहले बनाई, फिर इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसका डायग्राम अलग बनाया, 2 kg पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसका डायग्राम अलग बनाया। तो इसको बोलते हैं, मैंने क्या ड्रॉ किया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FBD। FBD का मतलब मैंने क्या ड्रॉ किया, इनके फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब कि एक ब्लॉक का अलग डायग्राम ड्रॉ करना और उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इकट्ठी उनको बनाना। तो बना लिया यहां तक। तो अब अलग अलग सॉल्व कैसे करेंगे, ये बताओ कि ये 2 kg कहां मूव कर रहा है, राइट की लेफ्ट? अच्छा ऐसे पूछता हूं, 2 kg के ब्लॉक में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 100 and T, कौन बड़ा, 100 की T? 100। कैसे पता लगा? क्योंकि कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, और राइट तभी मूव करेगा जब 100 बड़ा होगा, टी छोटा होगा। तो नेट फोर्स क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ, नेट फोर्स क्या है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस, यानी कि 100 - T इज इक्वल टू, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 × A, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, इसके ऊपर ये कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो राइट की फोर्स क्या है, टी, लेफ्ट की फोर्स क्या है, 0। तो सिर्फ एक फोर्स है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे 100 - T इज इक्वल टू 2A और टी इज इक्वल टू 5A, टी से टी कैंसल। देखो अगर ये कैंसल हो गया ना, 100% आपकी इक्वेशन सही है। अगर ये बच जाता टी, आगे मत सॉल्व करना, इक्वेशन में डायग्राम गलत है, कुछ कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस हमेशा कैंसल होंगी ही होंगी न्यूमेरिकली। तो आंसर क्या आएगा, 100 = 7A, तो A क्या आएगा, 100 / 7, A आ गया, उसको यहां पुट करेंगे तो 5 × 100 / 7। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने बनाया वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर देता हूं। कैसे, बुक्स में ऐसा बना होगा कि आपको ये गिवन होगा कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है, फ्लोर पे हो रहा है, जमीन तो है होएगी होएगी ना, और ग्राउंड होगा तो वेट भी होगा। तो वेट के अंदर इसमें क्या होगा, वेट के अंदर इसका वेट क्या होगा, 5g, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, n1, मान लो n1 एक्शन रिएक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पर ये भी आएगा, 5 लिखने की जरूरत नहीं आपको, 5g and n1। ऐसे यहां पर क्या आएगा, 2g वेट है और बदले में नॉर्मल रिएक्शन n2, तो n2 and 2g। अब क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल तो है नहीं, तो n1 किसके इक्वल है, 5g। ऐसे यहां पर n2 किसके इक्वल है, 2g। देखो इसका यूज नहीं है इसमें, क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। पर हाँ, अगर आप रूल बुक खोलो फिजिक्स की, तो हाँ मुझे ड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी फोर्सेस को लेना होता है। पर क्योंकि मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने हटा लिया, तो मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल से काम चला लिया, पर कायदे से ये 4 फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक? ये है फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप पूछेंगे कि आप फ्री बॉडी डायग्राम जरूरी है बनाने, नहीं जरूरी नहीं है, ये तो ऐसे हो जाएगा सॉल्व, ओरली भी हो जाएगा सॉल्व, कर लेना ओरली, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्यों सिखाए, देखो कोई किताब खोलोगे सबसे पहले ये सिखाया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, आपको ये फील ना होगी, और हमें तो कराया ही नहीं, तो दोस्त कह देगा यार देखो FBD आ गया, FBD और तो न्यूटन, चाहे साइनोमेरिकल आते हो, ये एक टर्म आपको बिल्कुल अंदर से मार देगी, मैं पढ़ कहा रहा हूँ, FBD बताया मुझे यार, कमाल है, इतनी बड़ी चीज नहीं बताई, तो नाम बताना जरूरी है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। बनाओ ना बनाओ बात अलग है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये तो बनता ही है, किताब भी तो पढ़ोगे यार, किताब में हर कुछ में लिखा होता है ड्रॉ FBD करता रहेगा। तो करो फिर सॉल्व, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक है, फोर्स है
फोर्स है, फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन, यहां से 5 केजी, 15 केजी, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, रूल नंबर वन, इसके अंदर ये सिस्टम कहाँ मूव करेगा, 100 न्यूटन बड़ी फोर्स है, 15 न्यूटन छोटी फोर्स है, ये कहाँ मूव करेगा, राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू,
5 kg का ब्लॉक 15 kg को फोर्स लगाएगा टी, तो 15 kg का ब्लॉक 5 kg को फोर्स लगाएगा टी, इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या है पॉइंट, क्लियर? ठीक। अब फ्री बॉडी डायग्राम तो देखो मेरे से ड्रॉ होते नहीं, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, तो मैं तो सिंपली ऐसे सर्कल ही कर लेता हूं। ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके राइट और लेफ्ट क्या फोर्सेस है। तो क्योंकि ये राइट जा रहा है तो 100 बड़ा कि टी, राइट जा रहा है तो 100 बड़ा टी छोटा, तो नेट फोर्स क्या है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है पॉइंट, क्लियर है? ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका देखा जाए तो ये कहां जा रहा है, राइट की लेफ्ट, राइट, तो कौन बड़ा, टी की 15, टी बड़ा, तो नेट फोर्स क्या होगी, टी माइनस 15 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? और अगर मैंने ऐड करूं तो टी से टी, इसका मतलब मेरी इक्वेशंस सही है। ठीक, तो क्या आएगा इसमें, 100 माइनस 15 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 85 डिवाइडेड बाय 20। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ए आ गया तो कहीं भी पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट? अच्छा, एक चीज देखो कि अगर सपोज करो, ध्यान से देखना प्लीज, इसमें टेंशन ना पूछी जाए, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन पूछी जाए, तो आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस पूरे सिस्टम में ये टोटल मास कितना है, 20 kg, तो एक्सेलरेशन पता है क्या होती है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस पूरे सिस्टम पे राइट की 100 न्यूटन की फोर्स है और लेफ्ट की 15, तो नेट फोर्स क्या है, 100 माइनस 15, टोटल मास क्या है, 15 प्लस 5। चेक कर लो आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा। तो अगर तो एक्सेलरेशन पूछ ले फिर तो फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत कहां है। तो अगर एक्सेलरेशन पूछ ले फिर फ्री बॉडी डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर आएगा। पर आपसे वो ये पूछेगा ही नहीं, वो आपसे हमेशा टी पूछेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि आप फ्री बॉडी डायग्राम इसे बनाएं। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। सपोज अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक है। ठीक, और इस पे फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, तो ये क्या है, 15 kg, ये क्या है, 10 kg, ये क्या है, 5 kg। ये लो, अब तीन ब्लॉक्स हैं, ये तीन ब्लॉक्स इकट्ठे कैसे मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट विद सम एक्सेलरेशन ऑफ ए। आपको स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू इन दोनों रस्सियों में टेंशन निकालनी है, क्या होगी, रूल नंबर वन। मुझे एक चीज का आंसर दो, इस रस्सी में, पहली रस्सी में टेंशन ज्यादा होगी, दूसरी रस्सी में कम होगी, दोनों में बराबर होगी, क्या होगा, पहली में ज्यादा दूसरी में कम होगी कि दोनों में बराबर होगी। और एक और ब्लॉक लगाता हूं उस तीसरी रस्सी में, फिर क्या होगा, अगर मान लो डायग्राम और एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो इसमें टेंशन क्या होगी, सबसे कम होगी। एक और लगा देता हूं उसमें, उससे भी कम, ऐसा कि बराबर, और रस्सी बराबर है, ज्यादा हो जाएगी पीछे। ठीक, रस्सी से पूछ लो, इससे पूछ तेरी क्या प्रॉब्लम है, कहती टेंशन बहुत है मेरे अंदर। मैंने कहा क्यों, कहता जब मैं आगे मूव करती हूं ना तो तीन तीन डिब्बों को खींचती हूं, 10, 5 और 5। जब इससे पूछोगे ना कि तेरी क्या प्रॉब्लम है, कहते ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को दो ही डिब्बे को खींचना है। जब इससे पूछोगे ना तो बिल्कुल ही टेंशन बहुत कम है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 5 किलो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसमें कम हुई, इसमें।
सबसे कम, ज्यादा और ज्यादा। सोचो मैंने ट्रेन बहुत लंबी बना दी, अब मूव तो करने से रही, इतनी लंबी ट्रेन कैसे मूव करूंगा। तो मैंने इसको खींचा, रूल नंबर पहले कौन सी रस्सी टूटेगी, पहली वाली कि आखिरी वाली? पहली वाली, जिसकी टेंशन ज्यादा है उसमें वो ज्यादा टाइट है, फोर्स ज्यादा है, टूट जाएगी। तो अगर आप ऐसी ट्रेन को खींचते हो तो स्ट्रिंग आपके हाथ से टूट जाएगी, वहां से थोड़ा टूटेगी, वहां तक तो पहुंचेगी नहीं, तो खड़ी है गाड़ियां वहां पर, तो ब्लॉक खड़े रह जाएंगे इतने में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक बात तो एग्री करते हो, टेंशन की वैल्यू ठीक है, टेंशन की वैल्यू इस और इस स्ट्रिंग में सेम नहीं रहेगी, टेंशन वेरी करेगी, कोई डाउट? ठीक है यहां तक? अब टेंशन कितनी होगी, देखो मैं आंसर पे आ रहा हूं, एक सेकेंड, मुझे सिर्फ ये पूछना है पहले कि 15 केजी के ब्लॉक ने 10 केजी के ब्लॉक को अपनी तरफ फोर्स लगाई टी, तो बदले में 10 ने 15 को इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब अगर ये टी है तो ये टी, एक रस्सी में जो टेंशन होती है वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? टी एंड टी क्लियर है? ठीक है यहां तक, राइट? आगे अब इस रस्सी की बात करते हैं, 10 केजी के ब्लॉक ने 5 केजी के ब्लॉक को अपनी तरफ खींचा बाय अ टेंशन ऑफ टी डैश, तो 5 केजी ने 10 केजी को खींचा बाय अ टेंशन ऑफ टी डैश। देखो एक रस्सी में टेंशन पेयर में होगी और इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, दूसरी रस्सी के अंदर भी पेयर में होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, पर इसमें इसमें डिफरेंट होगी। तो एक रस्सी एक टेंशन, दो रस्सी दो टेंशन, तीन रस्सी तीन टेंशन, चार रस्सी चार टेंशन, ऐसा नहीं हो सकता अलग अलग रस्सी और सेम टेंशन, ये नहीं होगा, एक रस्सी में एक ही टेंशन रहेगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ करूंगा, सेम वही चीज करूंगा अभी कर रहा था मैं। देखो इसमें ये करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसके राइट की तरफ कितनी है 100, लेफ्ट की तरफ क्या है टी, इसकी मूवमेंट कहां पर है, राइट की लेफ्ट, ये राइट मूव कर रहा है, और अगर ये राइट मूव कर रहा है तो अगर ये राइट मूव कर रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी, 100 की टी 100, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, 10 केजी का ब्लॉक कहां मूव कर रहा है, आगे, तो कौन बड़ा, टी की टी डैश, टी बड़ा आगे मूव कर रहा है, तो टी बड़ा टी डैश छोटा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस टी डैश इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट? नेक्स्ट, 5 केजी का ब्लॉक कहां मूव कर रहा है, राइट, तो इसके राइट की फोर्स टी डैश, लेफ्ट की है ही नहीं, 5 इंटू एक्सेलरेशन। तीन इक्वेशन को अगर हम एड करें, टी से टी, टी डैश से टी डैश, तो यानी कि मेरी इक्वेशन करेक्ट है, ना कैंसिल होता तो मेरे को टेंशन हो जाती कि मतलब टेंशन मेरे अंदर ही आ जाती, एक चौथी टेंशन कि ये कहां से आ गई। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 15 प्लस 10 प्लस 5 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 प्लस 5। वैसे एक बात बताऊं, एक्सलेशन तो ऐसी आ गई थी, अगर ये ना करते तो बड़ी नेट फोर्स क्या है 100, टोटल मास कितना है 15, आंसर तो ओरली आ गया। एक्सेलरेशन निकालनी सबसे आसान है पर पूछी नहीं जाती ना, ए कौन पूछेगा, टी पूछेगा। तो अगर ए आ गया तो ए को यहां पुट करेंगे तो टी डैश आ गया, ए को यहां पुट करेंगे तो टी आ गया, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि वैल्यूज कैसे निकलेंगी इसमें? ठीक है,
चलो तो आपकी शीट में कनेक्टेड मोशन गिवन है, इसके अंदर ये भी जो बुकलेट दूंगा कोई बात नहीं, ये यही है। तो ये हमने कर लिया न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने कर लिया जब दो टाइप के फोर्सेस इस तरीके से गिवन होंगे, तीन ब्लॉक्स हमने कर लिए। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोच रहे हैं? तो करो फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन ही करके दिखाना जरा क्या आंसर आएगा इसका। सपोज आपके पास ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक है, ठीक है, और ये फोर्स है, यहाँ से ये भी फोर्स है। तो एक फोर्स जो लग रही है वो लग रही है 100 न्यूटन, एक फोर्स लग रही है इस पे 20 न्यूटन, और ये है 2 kg, ये है 3 kg, ये है 5 kg। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है इसमें क्या होगी, ए एन टी। अच्छा सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले इसमें ये आगे मूव कर रहा है तो रस्सी टाइट हो जाएगी। तो लेट अस सपोज, देखो वेक्टर जरूर ड्रॉ करना, ऐसे ना वेक्टर वेक्टर ही है, देखो एरो ड्रॉ करना। तो इसके अंदर टेंशन अगर टी है तो इसके अंदर भी टेंशन टी है, इसके अंदर और इसके अंदर भी टेंशन टी डैश और टी डैश है। क्लियर हो गया? सिस्टम कहाँ मूव करेगा? राइट, क्योंकि 100 बड़ा है और 20 छोटा है, तो राइट का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो इसमें बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, नेट फोर्स इज मास इनटू
एक्सेलरेशन. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ध्यान आगे. इसमें ये चीज क्लियर है, 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो इसके अंदर क्योंकि राइट मूव कर रहा है, बोलो टी बड़ा कि टी डैश? टी बड़ा. टी माइनस टी डैश इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो उसी तरीके से ये रहा, तो इसके अंदर ये आगे मूव कर रहा है, तो टी डैश माइनस 20 इज 2 इनटू एक्सेलरेशन. ये रहा. तो तीनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखते हैं. 100 माइनस टी इज 5 इंटू ए, टी माइनस टी डैश इज 3 इंटू ए, और टी डैश माइनस 20 इज 20 इंटू ए, 20 इंटू ए. तो यहां से ये क्या हो गया? कैंसल. तो 2a, तो यहां पे 2a आएगा. ठीक है, तो ये 2a कर लो, तो ये कैंसल हो गया. तो 80 इज इक्वल टू 10a. तो a कितना आ गया? पुट करके आंसर आ जाएगा. मेथड समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नेक्स्ट प्रॉब्लम में सपोज आपके पास ये पुली की प्रॉब्लम्स हैं. देखो पुली खड़ी खड़ी घूम रही है, पुली कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, राइट? पुली यहां पे कनेक्टेड है, और सपोज यहां पे एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है कुछ ऐसे, और ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से ऐसे कुछ क्रॉस कर रही है, ऐसे घूम के आ रही है, ऐसे. ये रहा. तो इसके अंदर एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है. ये रहा. सच दैट ये 15 केजी है और ये 5 केजी है, ऐसे 15 केजी 5 केजी. तो सबको मालूम है 15 केजी का ब्लॉक कहाँ जाएगा? नीचे, ऐसे, और 5 केजी का ऊपर. इसको रिलीज करेंगे नीचे. पुली का कोई मास नहीं, रस्सी का कोई मास नहीं, तो ब्लॉक्स का मास है. तो इसको कौन नीचे लेके आएगा? इसका वेट, तो वेट कितना है नीचे की तरफ? 15 जी. और इसका वेट कितना है? 5 जी. जी को एंड में पुट करेंगे 9.8. तो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब ये स्ट्रिंग देख रहे हो, एक स्ट्रिंग है, प्लीज दो स्ट्रिंग्स नहीं है, एक ही रस्सी है, तो एक ही टेंशन होगी. ये नहीं हो सकता यहां टेंशन T1 तो यहां T2 ना. एक रस्सी है, पूरे स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगी. तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ये इस पुली को अपनी तरफ सपोज खींचता है, तो पुली इसे अपनी तरफ खींचती है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के साथ, TNT. क्योंकि यहां रस्सी चेंज नहीं हो रही, तो 15 केजी भी इस पुली को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये 15 केजी को अपनी तरफ खींचेगा बाय टेंशन TNT, राइट? आप ये नहीं भी ड्रॉ करोगे कोई बात नहीं, आप सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लो कि इसने, आप ऐसे अगर ये नहीं ड्रॉ करना चाहते ऐसे बोलो, फिर 5 केजी ने 15 केजी को खींचा बाय टेंशन ऑफ टी, तो 15 केजी ने बाय रिएक्शन फोर्स लगाई टी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. कईयों को नहीं समझ में आता, ऐसे कर लें. सपोज करो ये मान लो 5 केजी है, मान लो ये 5 केजी है, मान लो ये 15 केजी है, तो मान लो ये फोर्स आगे की तरफ 15 जी है, मान लो यहां फोर्स लगा रहा हूं 5 जी. टेंशन यहां कैसे ड्रॉ करेंगे? TNT ऐसे करेंगे. इमेजिन करो यहां पुली लगा दी मैंने, तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएंगे. ब्लॉक अगर नीचे गिरे तो आपका डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसे ही बन जाएगा. देखो 5G, 5 kg, यहां से 15 g, और यहां पर टेंशन TNT. देखो ना, ये टेंशन TNT ऐसे हो जाएगी, एक ही बात है, राइट? तो नहीं तो ऐसे ही कर लो. अगर ये नहीं करना कोई बात नहीं, ये ज्यादा आसान है, आप इसमें इस तरीके से ही कर लो. सच दैट इसमें T1 T2 मत लेना, एक स्ट्रिंग है, एक ही टेंशन है, टेंशन चेंज नहीं होगी. अब ये बताओ कि इसके अंदर अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? नीचे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए. तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा? ऊपर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए. ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? अगर ए नीचे आएगा तो ए ऊपर जाएगा. अब ये बताओ, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो कौन बड़ा, 15G की टी? अच्छा टी बड़ा, तो फिर मतलब टी, अच्छा 15G, ओके 15G, 15G नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स बोलो 15G माइनस टी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन.
क्लियर है। और क्योंकि ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है तो कौन बड़ा, टी की 5G, टी माइनस 5G इज इक्वल टू 5 into A। तो यहां से इसे ऐड करेंगे, टी एंड टी कैंसल, तो यहां पर क्या आएगा, 10G इज इक्वल टू 20A। तो A की वैल्यू क्या आएगी, 10G/20, यानी कि G/2। G को अगर 10 पुट करेंगे तो 5, तो यहां पर A आ गया। A को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो T की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर इसका आंसर दें। सपोज ये रहा एक ब्लॉक और ये लो, ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है। सपोज ये 2 kg का ब्लॉक है, सपोज ये 20 kg का ब्लॉक है। फाइंड टेंशन एंड एक्सलरेशन। कितना, जी को एंड में 10 पुट कर देना, एंड में 10 पुट कर देना। आंसर 10 है। तो देखो इसमें सबसे पहले काम करेंगे, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, इसका वेट, कौन सी फोर्स नीचे आ रही है, इसका वेट, इसका वेट क्या है, 2G, इसका वेट क्या है, 20G। तो यहां पर फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, यहां पर भी ऊपर एक्ट करेगी, तो कैसे, टी, कैसे, टी। यहां तक क्लियर है? क्योंकि 20G बड़ा है तो ये नीचे आएगा विद ए और ये ऊपर आएगा विद ए। कोई डाउट इसमें? और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऐसी बनेगी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो 20G बड़ा होगा और टी छोटा होगा, बड़े में से छोटी फोर्स इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्योंकि ये ऊपर आ रहा है तो यानी कि टी बड़ा होगा और 2G छोटा होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या, 2 into एक्सेलरेशन, टी से टी कैंसल, तो 18G इज इक्वल टू कितना, 22A। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 18G/22, जी को 10 पुट कर लेना, फिर ए को किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। मेथड क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसमें एक बार चेक करें प्लीज, इसमें ये एग्जाम्पल हो गया, ये जरूर चेक करें, एक पुली, मास m1 m2, मान लो m2 बड़ा m1 से, तो m2g m1g t n t, इक्वेशन क्या बनेगी, ये नीचे आ रहा है, m2g माइनस t इज m2a, ये ऊपर आ रहा है तो t माइनस m1g इज m1a। तो ये दो इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, t n t कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो ये डायग्राम और ये एक्सेलरेशन, कि अगर आप सिर्फ एक दो मास के साथ एक पुली चलती है तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। और इस एक्सलेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट करके अगर टेंशन निकाल लें तो टेंशन का फॉर्मूला इस साथ लिखो, 2m1 m2g/m1 + m2। तो अगर एक पुली और दो मासेज आ जाएं तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली टेंशन को डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला ना काम क्या है, ये फॉर्मूला बुक में नोट करो, नीट और मेम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से आ जाएगा।